मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्र विवेचना में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज मैं आपको बेकर सिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। बेकर सिस्ट होती क्या चीज़ है? मित्रों, अक्सर करके कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब उनके घुटने के पीछे एक छोटी सी सूजन है, कुछ लोगों के पीछे एक छोटी सी गेंद के बराबर की सूजन हो जाती है, जिसे कि हम लोग बेकर सिस्ट कहते हैं। बेकर सिस्ट एक ऐसी चीज होती है मित्रों, जो घुटने की झिल्ली होती है वह पीछे की तरफ उसका कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार तो हम लोग इसे निडिल से निकाल देते हैं और फिर कई बार वो चीज़ें फिर रिकवर होती नहीं है। बट मित्रों, कई बार इसका रिकरेंस भी हो जाता है और ये कई बार बहुत बड़ी सी बन जाती है। तो मित्रों, इसका एक सिंपल सी चीज़ होती है और इसे ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। बेकर सिस्ट को एक से दो बार तो हम लोग घुटने से सिरिंज 16 गेज की निडल से निकाल देते हैं, किंतु अगर इसके बाद बनता है तो डायरेक्टली हम लोग ऑपरेशन ही करने चलते हैं। चिकित्सक बंधुओं या बिगनर्स डॉक्टर साहब लोगों से मैं सब यही कहना चाहूँगा कि कई बार बेकर सिस्ट को या एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट को, माफ करें, एन्यूरिज्म अगर कहीं बना हुआ है पॉपलीटियल आर्टी के अराउंड, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट जरूर कर लें। डायरेक्टली जंप करके आप इंसीजन नहीं लगा देंगे, क्योंकि अगर बेकर सिस्ट है तो वो बहुत ब्लूइश कलर नहीं दिखेगा। बट कई बार मित्रों ये ध्यान रखिए, अगर कोई एन्यूरिज्म बना हुआ है तो वह कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे हल्की ग्रीनिश या हल्की ब्लूइश टाइप की चीज़ है। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड है, एक निडिल उठाइए, 10 ml का सिरिंज, और उसको सक करिए। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आखिरकार इसके इनसाइड ब्लड है या बेकर सिस्ट है। उसके बाद अच्छाई से इसको पकड़िए, छोटा सा इंसीजन लगाइए। हाँ, ये भी कह रहा हूँ कि बहुत बड़े इंसीजन देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे छोटा सा भी इंसीजन देकर अगर साइड आप प्रेस कर दीजिए तो वो पूरा इन ब्लॉक पूरा ऊपर आ जाता है। फिर उसको आरटी फोर्सेप को ऊपरी तौर पर फंसाइए, एक आरटी फोर्सेप नीचे भी करिए, और कहीं ना कहीं इसको राउंड राउंड घुमा दीजिए मित्रों, बड़े अच्छे से पूरा का पूरा कैप्सूल आपका निकल आएगा। तो ये बेकर सिस्ट का इलाज है। तो मित्रों, आप इसे मैं एक वीडियो के शॉर्ट वीडियो के तौर पर भी आपको इसमें दिखा रहा हूँ। हम एडिट कर लेते हैं। कि हम लोग इसे निकाल देते हैं अच्छाई से, तो फिर इसका रिकरेंस कभी नहीं होता है। तो मित्रों का एक बार पुनः बेकर सिस्ट का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नमस्ते।